हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे स्विच बोर्ड डिज़ाइन। आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन मेरी पीछे है और एक डिज़ाइन उस साइड पे है। इस डिज़ाइन को करने के लिए आपको सिर्फ एक्रेलिक कलर चाहिए, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस डिज़ाइन को आप अपने स्विच बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। और अगर आपको इस बहुत ही ब्यूटीफुल सी गोल्डन चिकन पेंटिंग को पसंद है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डिज़ाइन नंबर 1 की डिज़ाइन करना है। इसके लिए हमें यूज़ करना है फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर। आप देख सकते हैं ये कलर मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। यहाँ हमें पहले यूज़ करना है ऑरेंज एक्रेलिक कलर। पहले हमें सान की आउटलाइन करके इसके अंदर कलर को फिल करना है। पहले ऐसे आउटलाइन कीजिए। मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से ये काम बहुत आसानी से कर सकते। आप इसमें येलो कलर मिक्स करके भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा लाइट कलर चाहते हैं तो। ये कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद हमें कोकोनट ट्री की पेंट करना है। एक्चुअली फ्लैट ब्रश मुझे पर्सनली बहुत पसंद है इससे काम करना, इसलिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ ज़्यादा। बट इससे ये जो पेंट है इसके लिए आप राउंड ब्रश से बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 नंबर या 4 नंबर ब्रश से भी कर सकते हैं। यहाँ हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ करना है। इस डिज़ाइन में सिर्फ 2 ही कलर हमें यूज़ करना है, और एक ऑरेंज एक ब्लैक। यहाँ हमें छोटी छोटी डॉट्स करना है, ये इसको एक नेचुरल लुक देने के लिए। अब हमें पहले ब्रांचेस की पेंटिंग करना है, उसके बाद हमें लीव्स की पेंट करना है ऐसे। अगर आपको सूट, कुर्ती, ब्लाउज, पिलो कवर, कुशन कवर या फिर स्टोल दुपट्टा पेंटिंग की डिज़ाइन देखना है, इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप चाहे उसे देख सकते हैं। या फिर वॉल पेंटिंग के भी वीडियो से आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। कलर में आपको बिल्कुल पानी की यूज़ मिक्स कलर में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है पानी को, क्योंकि ये कलर बहुत थिक नहीं है, ये कलर पतला ही है। पानी का बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। पहले ब्रश को अच्छे से वाइप कर लीजिए, ब्रश को धो के फिर अच्छे से वाइप करके ही आपको यूज़ करना है। नहीं तो ब्रश में अगर थोड़ी सी भी पानी रह जाती है तो क्या होगा, कलर करने के टाइम कलर टपक के आपकी पेंट पूरा ख़राब कर सकती है, इसलिए ब्रश को अच्छे से वाइप कर लीजिए। और जब भी हमें वॉल के ऊपर कुछ भी पेंट करना होता है तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो कलर अगर थोड़ी सी गलती से भी साइड पर लग जाती है तो उसको वाइप करना बहुत मुश्किल हो जाती है, पॉसिबल ही नहीं होता है। इसलिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे फिर भी आप बहुत ध्यान से कलर कीजिए। यहाँ हमें, मैं थोड़ी ब्रॉड ब्रश यूज़ कर रही हूँ बहुत जल्दी इसको फिनिश करने के लिए, 10 नंबर की फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। स्विच बोर्ड के ऊपर बिल्कुल हमें जगह नहीं छोड़ना है ऐसे। अब इसके ऊपर एक छोटी छोटी ग्रास की पेंटिंग करना है, ये थोड़ी नेचुरल लुक देने के लिए। अब यहाँ बस ब्रश को छोटी छोटी डॉट्स ऐसे करके आपको करना है, कोकोनट ट्री के साइड पे जैसे होता है, इसको एक नेचुरल लुक के लिए हमें करना है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है हमें। अब यहाँ हमें बार्ड्स की पेंटिंग करना है, इसके लिए हमें 0 नंबर की राउंड ब्रश यूज़ करना है। आप चाहे तो 1-2 बार्ड की पेंटिंग ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं।
ये हमारी एक डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गई। आप अपने स्विच बोर्ड के ऊपर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये है आफ्टर कंप्लीट। अब हमें दूसरे डिज़ाइन करना है। इसके लिए भी हमें पहले वॉल के ऊपर हमें पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्टिकर से मेरी वॉल कितनी ख़राब हो गई है। इसके लिए भी हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ करना है। पहले आप देख सकते हैं पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है, आप भी ऐसे आउटलाइन कर लीजिए। इसके लिए आप राउंड ब्रश की यूज़ कीजिए, मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। पहले आउटलाइन करके हमें अंदर को कलर फील करना है। आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं ये भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं। मैं बहुत जल्दी ट्राई करूँगी आपको इस वीडियो दिखाने के लिए, वीडियो में उस डिज़ाइन को करने के लिए। और ये दो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। बहुत ध्यान से हमें इसके अंदर के कलर को फील करना है। जब हमें कोई ड्रेस के ऊपर पेंट करना होता है तो उसमें क्या होता है, ब्रश बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसलिए हमें पानी की यूज़ करना पड़ता है। बट वॉल पे ऐसा नहीं होता है और कलर पे आपको मीडियम यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके फिंगर्स को हमें बहुत ध्यान से करना है। अब हमें एक हाफ मून की तरह एक शेप बनानी है ऐसे। इसको भी पहले आउटलाइन कीजिए, उसके बाद ही कीजिए। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তো আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো। আমার খুব ভালো লাগে তোমরা যখন আমাকে বাংলায় কমেন্ট করো। আর মেরি এই ব্লগ কি চ্যানেল হ্যায় জো কি একদম নই হ্যায়, মে আপকো রিকোয়েস্ট করুঙ্গি আপ উসকো একবার জরুর দেখিয়ে। ইয়ে হামারি দো ডিজাইন কমপ্লিট হো গই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। বাই।